हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको दोस्तों आईओएस 18 का अपडेट शो नहीं हो रहा, वो आपको कैसे शो होगा, देन आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ इस वीडियो में। सो मेरे पास है दोस्तों आईफोन 11 64 GB वाला वेरियंट। मेरे केस में भी दोस्तों पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया अपने आईफोन के ऊपर बताता हूँ इस वीडियो में। आप अभी आप देख सकते हो मेरे केस में मैंने जो है अपने आईफोन 11 के ऊपर आईओएस 18 का अपडेट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। जिस दिन का ये अपडेट आया था उस दिन मैंने इसको जो है इंस्टॉल कर लिया था। जो भी प्रॉब्लम थी उसको मैंने जिस जो भी प्रोसेस बताने बना उस प्रोसेस से ही अब जो है इस प्रॉब्लम को मैंने फिक्स कर लिया था। वो कौन सा प्रोसेस था बताता हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपको सिंपली आपको मैं रिकमेंड करता हूँ वाईफाई के साथ करना। वाईफाई आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है अच्छी तरीके से वर्किंग होना चाहिए। मोबाइल डाटा के ऊपर मत करना, क्योंकि ये इसका साइज है वो दोस्तों 6 से 7 GB है साइज है इसका। तो इसलिए दोस्तों हमको जो है साइज के कारण भी कई बार हमको जो है नेटवर्क के कारण भी हमको कई बार जो है शो नहीं होता। आपको जो है वाईफाई के ऊपर जो है इसको इंस्टॉल करना है। देन आपको यहाँ पर अपने स्टोरेज के ऊपर चले जाना है। अगर तो आपके पास 128 GB वाला वेरियंट है तो वो तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास मेरी तरह 64 GB वाला वेरियंट है तो आप इसको जो है फ्री कर लेना पहले स्पेस, फिर आपको इंस्टॉल करना। देन आपको यहाँ पर सफारी वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर रिसर्च कर लेना है एप्पल बीटा। यहाँ पर आप जस्ट नॉर्मली ऐप में आपको टाइप कर देना है एप्पल बीटा। यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी एप्पल के ऑफिशियल। देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट आपको फिर से वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको जस्ट वेट करने के बाद आपके पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि आप मेरे केस में देख सकते हो। मेरे एक नेटवर्क मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है, सो प्रॉब्लम एनीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, एक साइन इन की, एक साइन अप की, एक साइन इन की। आगे तो आपने ये इस वेबसाइट के ऊपर आपने पहले से आप इस वेबसाइट के ऊपर आए हुए जान के आपने लॉगिन किया है, तो आप इसको साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर करना, नहीं तो आप साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जस्ट इंटरफेस हमारा सेम ही रहेगा। आपको आईडी वगैरह लॉगिन करनी है अपने ऐप आईडी। अगर तो आपको पासवर्ड याद है या फिर नहीं याद, आप एक अपना देखा वगैरह लेना पासवर्ड, फिर आप जो है यहाँ पर आके एंटर कर देना। जैसे आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है जो भी अपने स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आपकी फेस आईडी एंटर होगी तो आपको फेस आईडी अपनी एंटर कर देना है। सो जस्ट आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। मेरे केस में इंटरनेट कनेक्शन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट आपके सामने इस तरह से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एनरोल यूवर आइस डिवाइस के ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट आपको फिर से वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जस्ट आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन होते ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी ओपन बीटा अपडेट्स की। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जस्ट आपको डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पर अपने बीटा अपडेट्स के ऑप्शन के ऊपर ले जाएगा। अगर आपके केस में यहाँ पर ऑफ के ऊपर होगी तो आपको यहाँ पर आईओएस 18 लेवल पर बीटा शो हो जाएगा। इस ऑप्शन के ऊपर सेट करना है। देन आपके केस में यहाँ पर जो है आईओएस 18 का अपडेट जो है बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों बड़े आराम से अपने फ़ोन के ऊपर इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो। अगर तो आपके किस में जैसे कि मेरे वहाँ सेटिंग्स में मुझे जो है एप्पल आईडी शो हो रही है, तो अगर तो आपके किस में वहाँ पर नंबर शो हो रहा है तो आप पहले अपने सेटिंग्स में जाकर एप्पल आईडी के ऊपर जो है जीमेल ऐड कर लेना, फिर जाकर आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक सो मच।